बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, मैं आपका मेज़बान आरिफ अब्दुल्ला पंजाब न्यूज़ से हाजिर हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी दोनों लाजमी और मलजूम हैं। आप ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं या आप नाकाम होते हैं। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का, जो मेरी मेहनत का सिला है। अगर आप नाकाम होते हैं तो आप कहते हैं ये मेरा नसीब का वो है। अगर आपने कारोबार करना है या आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो तसलसल से मेहनत करें और अल्लाह पाक पर तकिया करें कि मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। ये तो हम मुसलमानों का ये असूल है या हमारा ईमान है। लेकिन मैं एक चीज़ कह देता हूँ, मेहनत करने वाला कामयाब होता है। आप अगर किसी कारोबार में आपको थोड़ी सी नाकामी होती है तो उस नाकामी पर दिल बर्दाश्त न हो। कारोबार करने के असूल चंद होते हैं कि आपने जो कारोबार से करना है उनका सरमाया आपने डिवाइड करना है। आपने अगर एक कारोबार करना है, आपके पास सरमाया 1 लाख रुपए है तो आप उसको 25% यानी 25,000 इन्वेस्ट करें और 75,000 रुपये आप अपने कारोबार के लिए रखें तो फिर तो आप कामयाब हैं। 25,000 रुपये में आपने कारोबार शुरू किया, उसके शुरू करने के चंद माह बाद आपने 10,000 और इन्वेस्ट करने हैं, यानी आपने 35,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह आपके कारोबार में जब ऐसा ऐसा मुनाफा होगा तो आप एक कामयाब होंगे। और आपने मार्केट वैल्यू भी देखनी है कि किस चीज़ की मार्केट में खपत है तो उसको मद्देनज़र रखना है। और दूसरा आपने देखना है कि मार्केट में जो मद्दोजज़र है उस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा ये तो कारोबारी असूल है। अगर आपने YouTube चैनल बनाया है तो YouTube चैनल में तसलसल के साथ आप वीडियोस अपलोड करें। और दूसरा, अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे, लोगों को आपका कंटेंट पता लगेगा तो फिर आप कामयाब होंगे। इसके अलावा आपका सब्सक्राइबर भी आपके पास हो गया और आपके जो वीडियो है वो माहौल और तरीके से देखना होगा कि आप किस चीज़ पर वो आपका कंटेंट है, इससे आप कामयाब होंगे। और आपका यूट्यूबर आप उसका थंबनेल वो दें जो लोगों को समझ आए। और दूसरा, हम जो देखना है कि आपने कौन से कंटेंट पर वीडियो बनाए हैं, उस कंटेंट को लोग पसंद करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ पे आपकी कामयाबी होगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, कामयाबी अगर आपसे दूर है तो थकना नहीं है और मुसलसल काम करना है, मुसलसल वीडियो डालने हैं। जितना आप वीडियो डालेंगे आपके व्यू आएंगे, जब आपके व्यू आएंगे तो आपका कारोबार यानी आपका यूट्यूब का जो है रनिंग करेंगे। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने एक सादा तरीके से वीडियो अपलोड की है, माशाल्लाह अभी मुझे अल्लाह पाक मेरे वीडियो पर रनिंग शुरू हुई है, यानी अर्निंग शुरू हुई है और मुझे YouTube पैसे दे रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत कामयाब हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर देखें तो हर एक वीडियो पे कुछ ना कुछ कम व्यू आ रहे हैं और सब्सक्राइबर अभी मेरे थोड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे। मैं 1947 के बारे में, जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान आए हैं उनके बारे में, और 1947 में जो यहाँ से सिख और हिंदू गए इंडिया उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ। और इसके अलावा मैं स्टैम्प वंडिंग के बारे में भी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरी वीडियो देखें आपको कामयाब। इसके अलावा बैंक लोनिंग, एजुकेशन के बारे में और काश्तकारी के बारे में और हालात हाजरा पर भी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अभी अर्निंग आ रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो मैं जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर मुझे यूट्यूब से अच्छी खासी आमदनी हो रही है। आप भी मेहनत करें, आप भी इस तरह पाकिस्तान की जो माशी हालात अच्छे होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।